आज जेके अर्ली न्यूज नेटवर्क टीम ने एक ऐसा स्कूल का दौरा किया जिस स्कूल की हालत बदतरीन है। स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल चक्का जोन बटोर डिस्ट्रिक्ट रामबन, ये सिर्फ नाम का ही हाई स्कूल है। इस स्कूल में सिर्फ 4 टीचर्स जो 10th क्लास तक पढ़ाता है। वहाँ बच्चों के साथ बात करने के बाद पता चला कि स्कूल में ना बाथरूम की कोई फैसिलिटीज़ और ना स्कूल बिल्डिंग। वहाँ कुछ लोगों के साथ बात की, लोगों का कहना है इस स्कूल की ये हालत कई सालों से ऐसा ही है। डेस्क से रहना सुल्तान के साथ डोडा से बढ़ परवेज की एक खास रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको इस स्कूल में? यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे विंडो होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे पीछे पत्थर रखे हुए विंडो खींच गए। यहाँ पे टॉयलेट्स की कमी है, जो बहुत पहले बन चुके हैं बट यूज नहीं होते। यहाँ पे जब हम सुबह प्रे करते हैं तभी यहाँ पे कभी खच्चर तो कभी आदमी आ जाता है, हमारी डिस्टर्ब बहुत ज्यादा होते हैं। आपका स्कूल बिल्डिंग कितनी अवेलेबल है आपके पास? सर यहाँ पे बिल्डिंग तो है पर किसी काम वही प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग आपके पास। हाँ। जो 2 कमरे हैं वही चल रहा है अभी भी हाई स्कूल, उसी में चल रहा है। लेकिन मुझे वो बताएं, जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता था। सर यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना तो है बट यहाँ पे हमारे लिए ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के यूज हो सकती है। यहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए था जो हम लड़कियाँ यूज कर सकती है बट हमें बाहर जाना पड़ता है, खुले में शौच करना पड़ता है। लेकिन आपने अपने टीचर से कंप्लेंट नहीं की इस बारे में? सर हमने तो की पर वो आगे नहीं जा पाए। नहीं जा पाए या उनके उनको उनकी कोई सुनता ही नहीं है शायद? उनकी कोई सुनता ही नहीं, वो बहुत बार उन्होंने आवाज पहुंचाई पर वहाँ पे कोई सुनता नहीं है, कभी होगा कभी नहीं होगा। टोटल स्टाफ कितना है यहाँ पे? यहाँ पे 4 अध्यापक है। 4 अध्यापक है तो कितने होने चाहिए थे? यहाँ पे 30 प्लस होने चाहिए थे। यहाँ पे हाई स्कूल है पर 4 ही है। 4 ही है? यस सर। ओके थैंक यू। क्या नाम है आपका? कमला देव। कितनी कितनी दिक्कतें आती है आपको यहाँ पे? यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? यहाँ पे 2019 में बिल्डिंग आई है, अभी तक भी नहीं बनी है। जब बारिश लगती है तो हमें घर जाना पड़ता है, यहाँ पे पानी आता है। लेकिन पढ़ाई तो आपकी उसके वजह से मुकम्मल नहीं होती होगी? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, 4 टीचर हैं पर अच्छी चलाते हैं, बेशक 4 ही हैं पर पढ़ाई अच्छी चल रही है। लेकिन टीचर्स की बहुत कमी है, आपकी बहुत ज्यादा कमी है। लेकिन मुझे बताओ, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा था, आपके पास तो बाथरूम भी अवेलेबल नहीं है? पर वहाँ ये बाथरूम बंदे खोलते नहीं उनको, क्योंकि पेमेंट ही नहीं मिली है। उनको पेमेंट ही नहीं मिली है? बीमारी चल रही होती है, हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ पे खजरे जाने बार बार हमें उठना उठता बनना है, फिर बैठना फिर उठना फिर जाना। कोई भी जनरली रास्ता नहीं है आपके पास? नहीं। और 4 टीचर हैं, बेशक 4 टीचर अच्छे पढ़ाते हैं पर स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। थैंक यू। और जब हम स्कूल घर जाते हैं तो अच्छे तरीके से बन के जाते हैं, और जब घर के लिए जाते हैं तो एक मजदूर की तरह जैसे बुरी हालत होती है, मिट्टी में बैठते हैं, यहाँ पे डेस्क भी नहीं है। और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपको यहाँ पे? यहाँ पे टीचरों की हमें जहाँ पे 30 टीचर होने चाहिए यहाँ पे 4 ही टीचर हैं। थैंक यू। क्या नाम आपका? नाम सर मेरा परशोत्तम लाल है। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको यहाँ पे? प्रॉब्लम सर ये आ रही है सर, बिल्डिंग की कमी है सर, और बिल्डिंग की कमी है सर, टीचरों की कमी है सर। जहाँ सर 30 टीचर चाहिए वहाँ सर 4 ही टीचर हैं सर। सर और कमी आ रही है सर, डेस्क की कमी आ रही है हमें सर। बैठने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास? सर है सर, टॉर्च आउट है सर, बैठने की कमी है सर, मिट्टी छिट्टी लगती है। लेकिन काफी हाई स्कूल्स में तो डेस्क की अवेलेबिलिटी है सर, डेस्क अवेलेबिलिटी है सर, क्या पता जी जी। और क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको यहाँ पे? प्रॉब्लम सर टॉयलेट की भी आ रही है हमें। टॉयलेट है नहीं यहाँ पे? है सर, बना है सर, खोल रहे नहीं वो सर, जिनके जगह है वो खोल रहे हैं। क्या वजह ना खोलने की? वजह सर ये है सर, बोल रहे हैं हमें पेमेंट नहीं मिली है, ये कुछ वो सर बोला, गांव वालों ने बोला सर, जो पंच सरपंच है उन्होंने भी बोला सर, जो टीचर है उन्होंने बोला, बच्चों ने बोला सर, उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। आप अपने फैमिली को नहीं बोलते कि हमें स्कूल में ये प्रॉब्लम आ रही है? सर फैमिली को सबको बोला सर, उन्होंने भी बोला सर, किसी ने सुना है सर, कोई उनकी सुनता भी नहीं सर। थैंक यू। चलो ओके सर, आपका नाम? मलोक चंद। जोर से बोले मलोक चंद, पेंच चक्का है वन। सर आप इस वक्त कहाँ मौजूद है? मैं इस वक्त स्कूल के बिल्डिंग में मौजूद हूँ। स्कूल की हालत देखो, क्या हालत है स्कूल? ये स्कूल की बिल्डिंग है सर? हाँ ये स्कूल की बिल्डिंग है, देखो स्कूल की हालत, आगे पीछे ऊपर इधर उधर देखो। हाँ क्या हालत? कब से ये सब चल रहा है? ये 2010 से ये सब चल रहा है।
नहीं आप आपने हायर अथॉरिटी से ऐसी ये सब इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन नहीं किया? किया हमने, हमारी कोई सुनाई नहीं है सर। सुनाई नहीं है। दूसरी बात बताएं, रास्ते की प्रॉब्लम आ रही है आपको? रास्ते की जो प्रॉब्लम है तो रास्ते की प्रॉब्लम हम खुद कर देंगे, क्योंकि एजुकेशन वाले जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो अपनी बाउंड्री लाइन अलग करेंगे सुकूल के, तो उसके बाद हम रास्ते का। बाउंड्री लाइन कहाँ से अलग करेंगे जब इनके पास स्कूल ही नहीं है? नहीं स्कूल तो नहीं है, मगर जगह जो स्कूल के नाम पर है, प्राइमरी स्कूल की है, चाहे वो मिडिल स्कूल की है, चाहे वो दसवीं स्कूल की है, जो भी है, तो वो डिपार्टमेंट अपने। लेकिन जब उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके सुनता है, उनका खुद का डिपार्टमेंट उनकी नहीं सुनता, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ सुनेगा उनकी? नहीं बराबर सुनेगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्यों नहीं सुनेगा? जब स्कूल की जगह गवर्नमेंट अपने हैंडओवर ले लेगी, उसके बाद हमें रास्ते का कर दूंगा, रास्ते का उसके बाद क्लियर हो जाएगा। और जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों की, जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों की, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ टीचर लोग नहीं है सर, स्टाफ पूरा नहीं है, और उधर लेटरिन बाथरूम सर, लेटरिन बाथरूम की मेन प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ से बच्चे जो है 8 किलोमीटर दूर जाते हैं, 4-5 किलोमीटर दूर टॉपनल पहुंचते हैं पढ़ने। क्या वजह है वो? यहाँ स्टाफ की वजह से वहाँ जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि अगर यहाँ स्टाफ होता था तो बच्चे यहाँ कुछ दाखिल हो जाते थे, वो टॉपनल नहीं जाते थे। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है बाथरूम की आ रही है, जो बच्चे लेटरिन की प्रॉब्लम है सर। लेटरिन बाथरूम जो है वो बंद है यहाँ के। हम मालक बोलते हैं हमें पेमेंट नहीं हुई है, हम ताला नहीं खोलेंगे। पंच सरपंच ने, गांव वालों ने सबको उनको बताया कि आप ताला खोलो, बोलते हैं हमारी पेमेंट नहीं हुई, हम कैसे खोलेंगे। थैंक यू। साथ में एक हमारा टीचर है, पूछो जी था तो नाम सर जी बताएं। हाँ फरीद अहमद जो है उनकी मतलब पे चक्का स्कूल के मतलब यहाँ से निकलती है, वो उन्होंने पता नहीं उनको ऑफिस ज्वाइन किया है, कहाँ ज्वाइन किया है, वो उनका काम है, क्योंकि सीओ साहब का और जीडीओ साहब का, क्योंकि उन्होंने कहाँ अटैचमेंट किया है उसको। पेमेंट तो वो चक्का स्कूल से निकल रहा है, इधर से निकल रही है उसकी पे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं जेके अर्ली न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ परवेज भट्ट। नाज़रीन हमारी हर वक्त यही कोशिश रहती है कि हम ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंचे जहां डेवलपमेंट ज़ीरो पे पहुंच चुकी है, एजुकेशन ज़ीरो पे पहुंच चुका है। आज हम पहुंचे हैं चक्का में, जो जोन बटोत और डिस्ट्रिक्ट रामन में पड़ता है। स्कूल की हालत आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, स्कूल की हालत, स्कूल खंडर बन चुका है, स्कूल में कोई भी फैसिलिटी नहीं है। बच्चों के साथ बात करने के बाद पता चलता है कि वो एक नारा रह चुका है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो इसलिए क्योंकि उनके पास बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है। 9th से 10th तक स्कूल है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। हम मज़ीद बात की थी हमने टीचरों के साथ, टीचरों का भी यही कहना है कि काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। सब बेंचेस का भी यही कहना है कि यहाँ पे स्कूल नहीं है, स्कूल के साथ साथ स्टाफ भी नहीं है। मज़ीद आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं कि किस तरह की हालत जो है इस स्कूल में है, किस तरह से जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं खंडरों में पढ़ते हैं। टीचर्स जो तैयार करके वो यहाँ पे उन्होंने एक खुद स्कूल को जो साफ़ किया, उसके बाद उन्होंने जो है उस स्कूल को जो है वो बनाया है थोड़ा बैठने के लायक, उससे अच्छा तो खेतों में पढ़ा सकते हैं। लेकिन स्कूल जो है ऊपर से ये देखो एक साइड से गेंद दिखा है, लेकिन इसी के साथ मज़े देखिए स्कूल, ये स्कूल की हालत है, इतनी बुरी कंडीशन है स्कूल की कि इससे अच्छा जो है खंडरों में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। मजीद रिपोर्ट आप देखें परवेज भट्ट के साथ।